मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 अगस्त को बसावन मामा गौवंश वन्य विहार कोरबा में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर यादव इस अवसर पर यज्ञशाला में हवन पूजन और गौ पूजन करेंगे। कार्यक्रम स्थल में भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की चलचित्र झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी अर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर गौ सेवकों तथा जिले के उत्कृष्ट गौशालाओं के संचालकों का सम्मान करेंगे। वह बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में निर्मित गौशालाओं का भ्रमण भी करेंगे। बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री कृष्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण की कला अभिव्यक्तियों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन में प्रातः 10 बजे से सागर के कमलेश यादव एवं मयंक यादव और उनके साथियों द्वारा बरेदी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर मुंबई के ख्यातिलब्ध कलाकार राजेश प्रसाद मिश्रा एवं उनके साथियों द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा विभागीय अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जन्माष्टमी के दिन अपने यहाँ 26 तारीख को बसावन मामा गौशाला में माननीय सीएम साहब का कार्यक्रम तय हुआ है। जो कार्यक्रम है वो जन्माष्टमी के पर्व पर है, तो इसलिए और उसको धार्मिक और सांस्कृतिक थीम पे रखा गया है। जो चूँकि उस दिन स्वयं जन्माष्टमी का बड़ा पर्व है, तो उस पर्व के लिए गौ पूजन, श्री कृष्ण जी का पूजन रखा गया है, जिसमें साधु संतों की उपस्थिति भी रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जी का जीवन जो है हम सभी को प्रेरित करता है, तो उनसे संबंधित हुए जीवन के प्रसंगों पर आधारित एक झांकी सजाई जा रही है। और साथ में फिर मुख्य कार्यक्रम रहेगा जिसमें भक्तगण भी उपस्थित रहेंगे। और बसावन मामा गौशाला से जुड़े हुए बहुत सारे कृषक परिवार हैं, FPO के साथ में जुड़े हुए कई सारे परिवार हैं, उनकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहेंगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित भी करना चाहूँगी कि 26 तारीख को सवेरे 11 बजे का ये कार्यक्रम तय हुआ है, आप स्वयं और अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।